हेलो गाइस, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल आवर वर्ल्ड में। और इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आप सभी से, जो कि है असम का जो 10th का स्टूडेंट है उनको लेकर। तो अभी फ़िलहाल आज दोपहर को जो न्यूज़ आया कि CBSE का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मतलब क्लास 10 का जो CBSE का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो इसको लेकर मेरा जो राय है वो ये रहेगा कि सिर्फ क्यों दिल्ली का स्टूडेंट्स या फिर सिर्फ क्यों CBSE का स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाए कि उनका कैंसिल हो जाएगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, हमें क्यों नहीं? हमारा स्टेट में क्या कोरोना नहीं है? हमारा स्टेट ने क्या बिगाड़ा? तो ये मतलब बहुत ही एक नाइंसाफी होगा अगर स्टूडेंट्स को, असम का स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन देना पड़े या फिर उनको एग्ज़ाम में बैठना पड़े और पोस्टपोनमेंट ना मिले। तो ये बहुत ही एक नाइंसाफी होगा स्टूडेंट्स के लिए। ये जो गवर्नमेंट कर रहा है ये CBSE के लिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ CBSE को स्टूडेंट्स को कोरोना नहीं होता है, हमें भी होता है, हम भी इंसान हैं। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जो असम का जो केसेस है वो भी स्टडी तरीके से नहीं बढ़ रहा है, वो भी बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो मेरा थंबनेल आप चेक कर सकते हो कि असम का अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है 7 PM का जो लास्ट न्यूज़ है वो ये कि असम का एक्टिव केसेस नियरली अबाउट 1023 केसेस है एक्टिव, जो कि कम नहीं है। क्योंकि अगर एक दिन में आपके देश में 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे और आपके राज्य में जैसे 203 से केसेस आ रहे, तो वो बहुत ही एक निगेटिव रिजल्ट है। क्योंकि एक दिन में अगर 200-300 केस आ रहे और स्टूडेंट्स साथ में परीक्षा में बैठेंगे तो उसके साथ साथ एक दिन में 500-600 भी आ सकते हैं। और अगर एक दिन में 1K के क्रॉस हो गया तो आप कह सकते हो कि योर स्टेट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द कोरोना केसेस। सो इस समय ये बहुत ही एक फुल जैसा एक डिसीजन होगा कि 50% स्टूडेंट्स को आप ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए फोर्स कर रहे हो और 50% को आप पोस्टपोनमेंट या फिर कैंसलेशन का मौका दे रहे हो। तो अभी का जो सिचुएशन है उसको नतीजे रखते हुए, उसको मतलब मुद्दा बात बनाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टेट बोर्ड प्लीज़ जग जाओ, हमारा स्टूडेंट भी बहुत मायने रखते हैं हमें, प्लीज़ उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी ये चांस मिलना चाहिए कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो। क्योंकि उनका लाइफ का भी उनको रिस्क है, सबको अपना अपना लाइफ का टेंशन होता है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे का कोरोना हो गया तो उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे का भी होगा, उसका पेरेंट्स होगा, हर घर में बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, फिर उसका अम्मा रहता है, वो दीदाजी दादाजी सब रहते हैं, तो उनका क्या? तो आप सभी के लिए सोचोगे ना, क्योंकि एक बच्चे के लिए अगर आप सोच रहे हो उसका कोरोना हो गया वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना। ये कोरोना तो एक को ऐसे उसका मतलब किसी का साथ रिलेशन तो नहीं है कि उसको एक जाके पकड़ेगा, सबको ही वो पकड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा टाइम में आपको सबके लिए सोचना पड़ता है, सबके लिए सोचना पड़ेगा कि असम का भी सीट के सभी बढ़ रहा है। तो इस समय आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप CBSE को सिर्फ मौका दोगे और स्टेट बोर्ड को नहीं। तो मेरा इस वीडियो में यही सबसे रिक्वेस्ट है, सब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दो, ताकि सबको पता चले कि तुम लोग को ऑफलाइन मोड, तुम लोग को ऑनलाइन मोड या फिर एग्ज़ाम कैंसलेशन चाहिए। ऑनलाइन मोड में सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें चीटिंग होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल होगा या फिर असेसमेंट के बेसिस में मार्क तो अच्छा होगा। थैंक यू।